डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ई फॉर एक्सपोनेंट 2.71 वैल्यू है इसकी मैथ्स में, ई रेज टू पावर एक्स। तो इसका आंसर मैंने किसी से पूछा तो एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर देखो ये तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता ई तो कॉन्स्टेंट है, आप ही ने करवाया। मैंने कहा क्या? वो कहता आपने करवाया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज जीरो। तो बोला इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? जीरो। मैंने कहा वो क्यों? कहता ई की कोई पावर तो नंबर ही होगा ना, तो ई तो नंबर है, पावर भी नंबर है, तो नंबर नंबर कॉन्स्टेंट आएगा, डिफरेंशिएशन जीरो। एग्री करते हो? सही, जीरो हाँ या ना, ऐसा लगता है। तो मैंने कहा फिर एक बात बता, डी बाई डी एक्स ऑफ, जब तेरे से पूछा था एक्स स्क्वायर का है, तो मैं भी ये बोलना चाहता था एक्स तो नंबर है ना, कोई वैल्यू लेगा, तो ये भी तो कॉन्स्टेंट है, इसका आंसर जीरो होना चाहिए था। पावर रूल क्यों लगा रहे हो? क्योंकि नंबर तो आएगा ही ना एक्स की जगह, तो फिर ये तो रूल ही गलत हो गया। जहाँ एक्स है वो तो वेरिएबल है ना, नंबर कहाँ से हो गया? तो एक्स तो वेरिएबल है। अब ई की पावर कोई वन पुट करे, कोई टू पुट करे, कोई थ्री पुट करे, कोई फोर पुट करे, फाइव पुट करे, तो ई की पावर एक्स इज नॉट अ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट वो वैल्यू है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है, इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ई की पावर एक्स इज अ वेरिएबल, पॉइंट नंबर वन क्लियर। तो इसका आंसर जीरो नहीं होगा बिकॉज इट इज अ वेरिएबल, इसके अंदर एक्स आ रहा है, पहला रूल क्लियर है, तो जीरो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? फिर दूसरा स्टूडेंट ऐसा बोला, जैसे मैंने आवाज भी सुनी अभी, वो अब बोल भी रहे थे सर पावर रूल लगा लेंगे पावर रूल। तो कहता जी देखो आपने सिखाया, खुद ही सिखाया आपने, पावर रूल लगा लो। मैंने कहा पावर रूल कैसे? वो कहता देखो ई की पावर क्या है? एक्स, नीचे उतार लो और ई की जो भी पावर है उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर लो और इनटू पावर पे हाथ रखो तो क्या बचता है? डी बाय डी एक्स। अरे ये तो कॉन्स्टेंट है, आंसर इज जीरो। तो फिर से आंसर जीरो। अब जीरो कैसे बोलें? क्योंकि ये तो वेरिएबल है, वो तो मैं रूल आउट कर ही चुका हूं कि आंसर जीरो नहीं होगा, तो पावर रूल यहां नहीं चलेगा। आपको ये तो गलत हो गया, या फिर ये बताओ कि पावर रूल कहां कहां नहीं चलेगा, क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चन पावर के आए आपने सबसे पहले पावर रूल ही लगाया। आज इस क्वेश्चन में आप कह रहे हो कि पावर रूल नहीं चलेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि पावर रूल इसमें तो चल सकता है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर फोर वेरिएबल की पावर है, कॉन्स्टेंट की पावर में पावर रूल नहीं चलते। ई इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की पावर है, पावर रूल नहीं चलेगा। एक्स इज अ वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर नंबर है, हाँ पावर रूल चलेगा, 4 इंटू एक्स की पावर 3 अलाउड है, पर अगर ये कॉन्स्टेंट की पावर है तो पावर रूल नहीं चलेगा, ये याद रखना। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पावर रूल वेरिएबल की पावर पे चल पड़ता है, कॉन्स्टेंट की पावर पे नहीं चलेगा। ठीक हो गया यहां तक? तो फिर क्या चलेगा? इसका कोई तरीका नहीं है, आपको मैथ्स का फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा। ये तो इसलिए बता रहा हूं कि घर जाके कोई सोच ना बैठ जाए कि ऐसा ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लिखें इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला सबसे बढ़िया फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, आंसर इटसेल्फ इज ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन इज ई की पावर एक्स, मतलब याद करने की टेंशन ही खत्म। ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स इनटू इनटू, एक चीज पीछा नहीं छोड़ेगी, क्या? e की जो भी पावर है x, उसको यहां भी आना है x, क्योंकि dx पे dx क्या होता है? 1, वो अलग बात है कि 1 है। तो ये फॉर्मूला नोट करें, फॉर एग्जाम्पल d by dx of e raised to power जैसे 2x plus 1, तो आंसर इज e raised to power 2x plus 1 into d by dx of 2x plus 1। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? तो इसमें क्या करना है, जो ये नंबर मिलेगा आपको, जो x की e की पावर है वो यहां भी आएगी और वो यहां भी आएगी, जो e की पावर है यहां पे वो एज इट इज तो आएगी आएगी, यहां भी आएगी। इसको अगर सॉल्व करें, e की पावर 2x plus 1 into, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 dx by dx 1 कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, आंसर ये आंसर है। तो स्टेप समझ में आ रहे हैं कि कैसे करना है ई की पावर एक्स का फॉर्मूला। सिर्फ ये एक्सक्लूसिव है, यही अलग है, बाकी तो नॉर्मल पावर रूल चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है यहां तक? सही है।
जैसे सपोज क्वेश्चन है ई डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x, ई रेज टू पावर 2x, तो क्या होगा e की पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो क्या आएगा e की पावर 2x, इसके डिफरेंशिएशन क्या है 2, तो आंसर 2 e की पावर 2x इज द आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का भी रूल क्लियर है। अगर सपोज करो d बाई डी एक्स ऑफ e स्क्वायर आ गया, चलो वैसे तो रूल कह रहा है e इज अ नंबर, 2 इज अ नंबर, इट्स अ कांस्टेंट, तो आंसर इज 0, चलो भूल गए और मेरे कहे पे आपने यही रूल लगा लिया e स्क्वायर इनटू d बाय dx ऑफ पावर क्या है 2, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0, अल्टीमेटली आपको 0 आंसर मिल जाएगा, लगा देना यही रूल 0 आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसका, सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। याद करो साइन एक्स की भी सेम प्रॉब्लम थी, जो एंगल यहां पे होगा वो यहां पे होगा और वो यहां पर भी होगा, बताया था ना, तो टेन एक्स के साथ भी सेम स्टोरी है। नेक्स्ट है डी by dx of cot x is equal to minus cosecant square x into dx by dx, जो एंगल ये रहा वो एंगल ये रहा और वो एंगल यहां पर भी आएगा। नेक्स्ट है d by dx of secant x, secant x is secant x into tan x into dx by dx, जो एंगल यहां पे आएगा वो एंगल यहां पे भी आएगा, वो एंगल यहां पे भी आएगा, वो एंगल यहां पे भी आएगा। d by dx of, नेक्स्ट है d by dx of cosecant x, d by dx of cosecant x minus cosecant x into cot x into dx by dx, जो एंगल यहां पे आएगा यहां पे आएगा यहां पे आएगा यहां पे आएगा।